हमारे गांव में पंचायतों की बात करते हैं, पंचायतों को मजबूत बनाया जाना चाहिए और बेहतर तरीके से गांव का विकास हो सकता है। हरियाणा में जुलाई अगस्त में ही पंचायत चुनाव होंगे, एक सवाल है, क्या जुलाई अगस्त में ही चुनाव होंगे? ये बार बार पूछा जा रहा था और अब उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ हो सकते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव क्यों अटके थे ये भी हम आपको बताएंगे। क्या था महिला आरक्षण का मामला, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। क्या सरकार करवाना चाहती थी चुनाव, जो आरोप लग रहे थे कि सरकार नहीं चाहती थी, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी बात करेंगे। और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान असल में क्या क्या हुआ और किस तरह की बातें निकलकर सामने आई, ये भी आपको बताएंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, उम्मीद जग गई है कि अब जल्द ही चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे और गांव के अंदर लोगों ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन अब प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। पुराने आंकड़े निकाले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नया आंकड़ा भी अपडेट किया जा रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने का रास्ता लगभग साफ है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव करवाने की अनुमति दे दी थी। पंचायत चुनाव के नाते से अभी चूंकि इसी सप्ताह में अर्बन लोकल बॉडीज की भी कुछ चुनाव जो हैं वो भी रुके हुए हैं, वो भी फैसला होने वाला है इस अगले सप्ताह में। इसके बाद हम लोग बैठ के विचार करेंगे कि चुनाव, वैसे तो चुनाव आयोग का ही अधिकार है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी तैयारी उनकी है। हमने अपनी ओर से जो पंचायती चुनाव है उसको क्लियर कर दिया है। अब उसमें चूँकि वोटर लिस्टें हैं, वार्डबंदी कुछ करनी है, कितना समय उनको लगेगा उतना समय लगा करके जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। पूरी तौर पर तैयार है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि उनको जुलाई के अंदर स्टेट इलेक्टोरल रोल रिवाइज करने तक समय लगेगा। मुझे लगता है अब उनके ऊपर ओनस है, प्रदेश सरकार की ओर से पूरी तैयारी। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्द ही हरियाणा में पंचायती चुनाव हो जाएंगे। हरियाणा में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई। दरअसल लंबे समय से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई की और अब जाकर कोर्ट ने पंचायत चुनाव करवाने को लेकर हरियाणा सरकार को हरी झंडी दी थी। अब आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका था, तभी से पंचायत चुनाव को लेकर रस्सा कसी चल रही थी। प्रदेश में फिलहाल 6,226 ग्राम पंचायतें हैं। इसके अलावा पंचों की बात करें तो इनकी संख्या 62,040 है। पंचायत समिति की सीटों की संख्या 3,086 और जिला परिषद की सीटों की संख्या राज्य में 411 है। इसके अलावा पूरे राज्य में सभी जिला ब्लॉक की बात करें तो 143 इसकी संख्या है। छोटे जिलों में 4 औसतन और बाकी बड़े जिलों में 9 तक ब्लॉक है। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का भी कहना है कि सरकार की ओर से कुछ औपचारिकताएं पूरी करने और नई वोटों के बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची संशोधन के लिए 2 महीने का वक्त कम से कम चाहिए। ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त में पंचायती चुनाव हो सकते हैं। 3 खबरें अभी तक। कुछ और आंकड़े हैं, कुछ जरूरी जानकारियां। हरियाणा में 6,226 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें पंचों की संख्या 62,000 6,226 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें पंचों की संख्या 62,040 है। इसके अलावा पंचायत समिति की अगर बात की जाए तो पंचायत समिति की सीटों की संख्या 3,086 है। पंचायत समिति की सीटों की संख्या 3,086 है। जिला परिषद की सीटों की संख्या है हरियाणा के अंदर 411। हरियाणा के जिला ब्लॉक की संख्या है 143। छोटे जिलों में औसतन 4 और बाकी बड़े जिलों में 9 तक ब्लॉक। उम्मीद है कि अब वक्त पर, जिस तरह से सभी दावे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो चुनाव हो जाएंगे। जुलाई अगस्त तक चुनाव हो सकते हैं, जून जुलाई अगस्त तक चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और तब तक सब कुछ रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं। अब एक सवाल ये था कि अटके क्यों थे और क्यों हुआ था, बार बार कोर्ट की बात कही जा रही थी कि मामला कोर्ट में है। तो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर जो सुनवाई हुई, इससे पहले सुनवाई 25 अप्रैल 2022 को हो चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर 4 मई को सुनवाई में फैसला दिया गया। पंचायत चुनाव करवाने की जिम्मेदारी अब सरकार के कंधों पर। इससे पहले बात यही आ रही थी कि भाई कोर्ट में मामला हम तो चाहते हैं, अब सरकार के कंधों पर जिम्मेदारी आ चुकी है। हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने की पैरवी कर चुकी थी। हरियाणा सरकार पर पंचायत चुनाव करवाने का दबाव भी था,
हाईकोर्ट की रोक की वजह से पंचायत चुनाव का मामला अटका रहा था। 4 मई के फैसले से पंचायत चुनाव पर जो रोक थी वो हट चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। पंचायत चुनाव पर सरकार को अब तय करना है कि कब होंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब हम जल्द चुनाव करवाएंगे और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब एक सवाल ये आता है कि अटके क्यों थे। बहुत सारे लोगों को पता भी हो, बहुत से लोगों को पता ना हो कि पंचायत चुनाव अटके क्यों थे, क्या वजह रही थी, क्यों अटके थे चुनाव। तो 2-3 वजह थी। पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी। 23 फरवरी 2021 को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका था। हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर कहा था कि सरकार चुनाव कराने को तैयार है। हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की अपील भी की थी। सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया था। काफी समय तक याचिकाकर्ताओं ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शर्तों के साथ चुनाव करवाने की छूट दी थी। पुराने नियमों से सरपंच चुनाव करवाने के लिए भी छूट दी थी। हरियाणा सरकार 50% महिलाओं को आरक्षण देने की सूरत में चुनाव करवाना चाहती थी और इसी वजह से हरियाणा में सरपंच इलेक्शन को लेकर इंतजार लंबा होता गया। इसको लेकर याचिकाएं लगी जो महिलाओं को आरक्षण की बात थी, ये वजह थी। इसके अलावा अब बातें यही हैं कि अब उम्मीद जग चुकी है, इंतजार खत्म होने वाला है। जो कहा है किसी ने कि इंतजार में बोलो बड़े मुश्किल गुजरते हैं, जब कह रहा हो कोई कि बस आ रहा हूं मैं, तो वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। गांव के अंदर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। जो सरपंच बनना चाहते हैं, जो पंच बनना चाहते हैं, उन्होंने लोगों को दावतें देना भी शुरू कर दिया है, अपनी अपनी बातें पहुंचाने शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि कब तारीखें आएंगी और किस तरह से पंचायत का चुनाव होता है और किसको जीत मिलती है और कौन मजबूती का दावा करता है।